नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम सब आए हैं त्रिपुरा की बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत पर्यटन केंद्र निरमहल, जो कि झील के बीचों बीच बनाया गया एक पैलेस है। आप लोगों को चारों तरफ से पानी ही पानी नज़र आएंगे। इंडिया में सिर्फ दो ही जल महल हैं, जिनमें से एक ये निरमहल है, जो कि बेलाघर पश्चिम त्रिपुरा राज्य में स्थित है और दूसरी राजस्थान में स्थित है। निरमहल त्रिपुरा साम्राज्य के महाराजा वीर विक्रम किशोरमाणिक्य बहादुर द्वारा निर्मित एक पूर्वशाही महल है। निरमहल को रौद्र सागर के नाम से भी जाने जाते हैं। महाराजा वीर विक्रम द्वारा 1930 से 1938 के बीच बनाया गया था। ये जलाशय 2.5 किमी वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। महाराजा ने ग्रीष्मकालीन निवास के लिए इस महल को निर्मित किए थे। दोस्तों ये महल दो हिस्सों में बांटा गया है। महल के पश्चिमी भाग को अंदर महल के नाम से जाने जाते हैं। इसे शाही परिवार के लिए बनाया गया था और महल के पूर्वी भाग एक ओपन एयर थिएटर है, जहां महाराज और उनकी शाही परिवार आनंद के लिए यानी नाटक, रंगमंच, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और आज भी सरकार द्वारा पिकनिक के सीजन में पर्यटकों को मनोरंजन के लिए लाइटिंग शो की व्यवस्था किए जाते हैं। इस महल में कुल 24 कमरे हैं और एक खूबसूरत गार्डन है। आप लोग यहाँ फोटो शूट की आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों ऊपरी मंजिला से यहाँ का नज़ारा देखने में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं मन को बिल्कुल रोमांटिक की फीलिंग्स दिलाती हैं। दोस्तों आप इस राज्य के बाहर से आ रहे हैं तो आपको अगरतला होकर 53 किमी ट्रेवलिंग करके यहाँ आना पड़ेगा। महल तक जाने के लिए आपको बोट का सहारा मिल जाएगा, जो पर पैसेंजर की किराया 50 रुपीस है। देश के कोने कोने से हर साल लाखों पर्यटक यहां आते रहते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की मजा लेते हैं। Yeah.
आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।